सर ऑब्वियसली सर मोदी साहब को सत्ता छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी को सत्ता छोड़ देना चाहिए। क्यों नहीं सर, आप मोदी जी जब आए थे वो बोले थे कि भैया हमको सिर्फ 100 दिन चाहिए। मोदी जी को 10 साल मिल चुका है। आप महंगाई की बात देख लीजिए, गैस का दाम देख लीजिए, रोजगार पे आप देख लीजिए। अरे राम मंदिर बन गया, 370 रोजगार। मोदी जी ऐसी पगल है, मणिपुर के संबंध में हर एक जगह के विषय में। 10 मिनट के लिए आए थे, मगरमच्छ का आंसू रोए थे और चले गए थे, और वहाँ पे राहुल गांधी गए थे। चाचा मोदी जी नहीं गए थे मणिपुर, राहुल गांधी गए थे। अरे देखिए भाई, इतना नहीं कहना हमको, शॉर्टकट सा तरीका। नहीं नहीं, आज से 10 साल पहले जब आप किसी के बाप दादा कोई जमीन खरीदे थे तो 20 रुपए में खरीदे थे, और आज उसका दाम कितना हो गया है ये बताइए हमको। कोई चाहेगा कि 2000 में हम उस जमीन को 20 रुपए का जमीन खरीदे हुए 2000 में बेचे? आज उसका दाम हो गया 20 करोड़। मतलब मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? मोदी की बात नहीं है भैया, महंगाई मोदी की ही बात कर रहा हूँ। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं कि खराब काम कर रहे हैं? 370 हट गया हमारे रामलला का मंदिर का जो निर्माण है उसका कार्य आगे बढ़ गया, ठीक है। हमारे देश में से जो काला धन हटा, काले धन को हटाया। काला धन क्या हुआ? ब्लैक मनी देश से हट गया। अच्छा। जो मतलब उसका पकड़ाया बहुत सारा निकला। फिर उसके बाद पहली बार वो डरता है इंडियन आर्मी से, डरता है, लेकिन वो मोदी से डरता है। ठीक है, आपका जवाब हम दे ठीक है। इसका मतलब ये डायरेक्ट इंडियन आर्मी पे अपोजिट, मोदी जी बॉर्डर पे जाके बंदूक लेकर रहते हैं, इंडियन आर्मी रहते हैं, मेरे इंडियन आर्मी फ्रेंड इतना तेजी मत हो, आपका आंसर बिल्कुल खुला शब्दों में सुनते चलते जल्दी बोलिए। ये कह रहे हैं क्या, 9 साल? क्या बात कर रहे हैं महाराज, 9 साल तो अपना शरीर को संभालने में, पर्सनालिटी को बनाने में रह गए हैं। ठीक है, हाँ, जो इंडिया का रुतबा था आज से पहले जो प्रधानमंत्री आए, आजकल का जो प्रधानमंत्री उसके हिसाब से आप देखते हो इंडिया से बाहर इंडिया का कितना रुतबा हो गया। चाइना भी डर रहा है, मोदी डर रहा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का तो पूछिए मत, बाकी देश भी डर रहा है, बाकी देश भी ये पकड़ने का काम हमारा है। बाकी देश जो पाकिस्तान को या बाकी देश को जो ऑर्डर देता है वो यूएस भी इंडिया को ऑर्डर नहीं देता, वो भी शक पकाता है बोलने से। किसके डर से? मोदी के पावर से, मोदी के डर से यूएस में शक पकाता है, मतलब इज्जत दे रहा उसको। समझ रहा है? एक मिनट, साली सभी भैया, आतंकवादी हमला का बात किया, आपको पुलवामा हमला याद है? पता याद है? हाँ, किसके राज में? किसके राज में? वो मनमोहन सिंह किए थे ना? अरे नहीं यार, मनमोहन सिंह के, ओहो मोदी करवाया था। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं याद है? सुनिए सुनिए, मेरे 40 जवान मरे हैं, चौकीदार जब मेरा इतना मजबूत है भैया, जब 40 आरडीएक्स कैसे आ गया? आरडीएक्स में अभी तक चर्चा नहीं हुआ है। आरडीएक्स में अगले साल लोकसभा चुनाव है, हम लोगों से जानेंगे कि अगले बार जो है राहुल गांधी मजबूत दावेदार हो सकते हैं या नहीं, नरेंद्र मोदी को हटाया जा सकता है या नहीं, देश की जनता, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी से खुश है या नाराज है, ये बिहार की जनता से जानते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? ऑब्वियसली सर मोदी साहब को सत्ता छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी को सत्ता छोड़ देना चाहिए। क्यों नहीं सर, आप मोदी जी जब आए थे वो बोले थे कि भैया हमको सिर्फ 100 दिन चाहिए। मोदी जी को 10 साल मिल चुका है। आप महंगाई की बात देख लीजिए, गैस का दाम देख लीजिए, रोजगार पे आप देख लीजिए। कह रहे राम मंदिर बन गया, 370 रोजगार। महंगाई की यहाँ पे बात हो रही है तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। दो बात बताइए। हाँ, पहले ये बताइए कि आज से 10 साल आज से 10 साल पहले जब आप किसी के बाप दादा कोई जमीन खरीदे थे तो 20 रुपए में खरीदे थे, और आज उसका दाम कितना हो गया है ये बताइए हमको। कोई चाहेगा कि 2000 में हम उस जमीन को 20 रुपए का जमीन खरीदे हुए 2000 में बेचे? आज उसका दाम हो गया 20 करोड़। मतलब मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? मोदी की बात नहीं है भैया, महंगाई मोदी की ही बात कर रहा हूँ। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं कि खराब काम कर रहे हैं? केंद्र में वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कुछ अच्छे काम कर रहे हैं जरा सा मुझे गिनाते चलिए। बहुत सारे उनके अच्छे काम हैं, जैसे बहुत सारे हैं तो आप सिर्फ 5 गिना दीजिए। धारा 370 हटाना। अच्छा, हमारे सबसे पहले हमारे जो आदर्श, हमारे क्या कह रहे भैया, धारा 370 हटा दिया तो मतलब कि जनता उसमें खुश हो गई, जनता को इधर सुनिए, क्या अच्छा कर रही बताइए ना जी। 370 हट गया हमारे रामलला का मंदिर का जो निर्माण है उसका कार्य आगे बढ़ गया, ठीक है। हमारे देश में से जो काला धन हटा, काले धन को हटाया। काला धन क्या हुआ? ब्लैक मनी देश से हट गया। अच्छा। जो मतलब उसका पकड़ाया बहुत सारा निकला। फिर उसके बाद जैसे शासन प्रशासन की भी जो है, यूपी में जितने भी क्राइम हो रहे थे, मतलब सब ही जगह नेशनल लेवल की बात कीजिए, यूपी में
क्राइम बहुत कम हो चुके, मतलब हर जगह से थोड़े बहुत हो रहे हैं। ठीक है, 5 कम हो गए, क्या कुछ कहेंगे? ये बोले भैया बहुत काम किया, जवाब मिलेगा आपको। देखिए मोदी जी तो पहले सबसे बड़ा काम क्या किया आपको बताते हैं, सब बंदा जानता होगा। जो इंडिया का रुतबा था आज से पहले जो प्रधानमंत्री आए, आजकल का जो प्रधानमंत्री है उसके हिसाब से आप देखते हो इंडिया से बाहर इंडिया का कितना रुतबा हो गया। चाइना भी डर रहा, मोदी डर रहा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का तो पूछिए मत, बाकी देश भी, पाकिस्तान भी डर रहा है, बाकी देश भी, ये पकड़ने का काम हमारा है। बाकी देश जो पाकिस्तान को या बाकी देश को जो ऑर्डर देता है, हाँ। वो यूएस भी इंडिया को ऑर्डर नहीं देता, वो भी शक पकाता है बोलने से। हाँ। किसके डर से? हाँ। मोदी के पावर से, मोदी के डर से यूएस में शक पका, मतलब इज्जत दे रहा उसको, समझ रहा है। सर सुन लीजिए की बात, मोदी से ना चाइना डरता है ना पाकिस्तान डरता है, पाकिस्तान या चाइना डरता है तो वो मेरे इंडियन आर्मी से डरता है। ठीक, पहली बात, वो डरता है इंडियन आर्मी से डरता है, लेकिन वो मोदी से डरता है। ठीक है, आपका जवाब हम दे रहे हैं। ठीक है, वो इसका मतलब ये डायरेक्ट इंडियन आर्मी पे आप, मोदी जी बॉर्डर पे जाके बंदूक लेकर रहते हैं, इंडियन आर्मी रहते हैं, मेरे इंडियन आर्मी फ्रेंड इतना तेजी मत हो, आपका आंसर बिल्कुल खुला शब्दों में सुनते चलते, जल्दी बोलिए। ये कह रहे हैं क्या आर्मी से डरता है? हमको कहना है कि सेना का कोई तो नेतृत्व करता, जैसे कोई प्रधानमंत्री हो गया तो उसको भी तो ऑर्डर देने वाला वही है, और मनोबल बढ़ा रहा तभी तो, और वो कह रहा कि ठीक है कारतूस पूरा एमिनेशन है क्या? नरेंद्र मोदी मनोबल बढ़ा रहे हैं, मनमोहन जी जो है, मनमोहन सिंह नहीं बढ़ाते थे? मनमोहन सिंह क्या बढ़ाते थे यार, क्या बात कर रहे हैं? वो क्या बोलते थे कि अगर कोई इंडिया में आतंकवादी कोई हमला करता था, हाँ। वो कसम नहीं खाते कि इसका अगला दिन ये हो जाएगा क्लियर, हाँ। वो कोई सोचते नहीं थे। ठीक है, ठीक है भैया, आतंकवादी हमला का बात की, आपको पुलवामा हमला याद है? पता याद है, हाँ। किसके राज में? किसके राज में? वो मनमोहन सिंह किए थे ना? अरे नहीं यार, मनमोहन सिंह के, ओहो मोदी करवाया था, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं याद है? सुनिए सुनिए, मेरे 40 जवान मरे हैं, चौकीदार जब मेरा इतना मजबूत है भैया, जब 40 आरडीएक्स कैसे आ गया? आरडीएक्स पे अभी तक चर्चा नहीं हुआ है, आरडीएक्स कैसे आ गया? चलिए इसका जवाब हम फिर देते हैं, आरडीएक्स कैसे आ गया? सुनिए यार, पहले आप आंसर को आराम से सुनिए, आप कितनो भी पहरा लगाइए, लेकिन चोरी चोरी क्या बंद कर रहा है क्या? बस वही बात है, कितनो अपराध लीजिए कहीं से अपना चौकीदार चोर है ये साबित हो जाएगा, सजा भी तो मिल रहा है, सजा मिल रहा है, मोदी जी को सजा मिल रहा है, कह रहे आरडीएक्स जो लाए उनको सजा मिल रहा है, सजा अभी तक उसे संसद में ज्यादा चर्चा नहीं हुआ है, मणिपुर में ना चर्चा हो रहा है, उसका हुआ ना जी, क्या हुआ? तो ही क्या सजा, चर्चा नहीं हुआ आरडीएक्स का, चर्चा नहीं हुआ चाचा। अरे 2023 में 128 आतंकवादी मारे गया, सब हमें मोदी जी 2 घंटा 10 मिनट बोला रहा है, सब विपक्ष भाग गया, मोदी जी ऐसी पगल है, मणिपुर के संबंध में हर एक जगह के विषय में, 10 मिनट के लिए आए थे, मगरमच्छ कहाँ शुरू हुए थे और चले गए थे, और वहाँ पे राहुल गांधी गए थे चाचा, मोदी जी नहीं गए थे मणिपुर, राहुल गांधी गए थे। अरे देखिए भाई, इतना नहीं कहना हमको, शॉर्टकट सा तरीका, यहाँ पर इतना पब्लिक है ना जी, कौन है जो मोदी की तरफ है, कौन कांग्रेस की तरफ है, वो अपने पब्लिक का माइंड में सेटिंग होगा, अंधभक्त होगा ना, हाँ। वो मोदी की तरफ होगा, समझे, अंधभक्त होगा, तीसरा नेत्र में वही होगा, गलत बात है। अच्छा मोदी के सपोर्टर कौन कौन है, हाथ खड़ा कीजिएगा, 1 2 3 बस 3 लोग, राहुल गांधी के कितने लोग सपोर्टर है आप देख लीजिए, देखिए देखिए ये क्या होता है बताते आपको, यहाँ पर कभी कभी होता है नेगेटिव और पॉजिटिव भी बात है, यहाँ दोनों टकरा गया है, तो सोचते छोड़ा इस पर दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं, आप 2024 में देखिएगा आपको पता चलेगा, काम गिनाइए ना मोदी जी, कितना रोजगार दिया, कितना महंगाई कम की, काम काम का तो कम से कम उनको पता, 15 क्या कह रहे हैं, काम हुआ रहेगा तबे ना गिनाएंगे, नहीं है काम, हाँ तो सिलेंडरवा मिला था फिर का 1400 बिक रहा, नहीं गिनाएंगे, कह रहे 9 साल बेमिसाल है, 9 साल क्या बात कर रहे हैं महाराज, 9 साल तो अपना शरीर को संभालने में, पर्सनालिटी को बनाने में रह गए हैं, ठीक है, हाँ जितने बुढ़ा रहे उतने मेंटेनेंस कर रहे हैं शरीर को मेंटेनेंस कर रहे हैं, मेंटेनेंस खर्चा निकाल रहे हैं अपना, समझिए बिजनेस मैन, मेंटेनेंस खर्चा निकाल रहे हैं। सुनिए आप यहाँ पर देखते होंगे मोची है, कितना लोग गरीब दुखिया है, आप कहते हैं महंगाई बढ़ गया, एगो मोची भी यहाँ बैठे ना, सुबह से लेकर शाम तक 1000 रुपए कमाता, तो कौन गरीब है, हमको कौन गरीब कमाता है, कोई मोची नहीं कमाता, आपका दिमाग भ्रष्ट हो गया है, अगर आप 1000 रुपया कमाते हैं तो आपका ये चेहरा नहीं रहता, आपका ये चेहरा नहीं रहता, आपका ये मेंटेनेंस नहीं रहता, आपका ये सर बैग फटा हुआ नहीं रहता, आप चाहते हैं
इनका जवाब एक नंबर है, इनका जवाब एक नंबर मिलेगा। इनका कहने का मतलब है कि मोदी हमको महीने का 1,00,000 रुपए देते तो बहुत अच्छा नेता, बिना कमाई देते यही चाहते वही दे देना। देखेगा जी, एक मिनट हम आते, आपको वादा याद है? बिल्कुल, 15 क्या क्या था वादा? 15 लाख का वादा, एक मिनट, 15 लाख का वादा कोई नहीं, वो कहने की बात है, वो कहने की बात है। मतलब लग रहा है एक मतलब हमारे प्रधानमंत्री लग रहा है, एक मतलब हमारे प्रधानमंत्री लग रहा है, प्रधानमंत्री झूठा है, झूठ बोलिए, प्रधानमंत्री के सीट पर प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा।